जय श्री राम। मैं डॉक्टर अंकित त्यागी, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम भाग्य दर्पण उम्मीद की किरण में, जहां हम आपके लिए रोजाना लेकर के उपस्थित होते हैं आज का पंचांग और आज का राशिफल। कैसा बीतेगा आपका आज का दिन, क्या कहता है आज का पंचांग, ताकि आप अपने दिन को उसी हिसाब से अपनी दिनचर्या को डिसाइड कर सकें, अपनी दिनचर्या को उसी के अनुकूल आप ढाल सकें। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। उससे पहले बता दें कि आगामी 3, 4 और 5 सितंबर को जयपुर में, या जो लोग जयपुर के आसपास हैं वो मुलाकात कर सकते हैं। 3, 4 और 5 तारीख को हम जयपुर में रहेंगे, तो जो लोग जयपुर से हैं या जयपुर के आसपास से हैं, उनके लिए एक अच्छा अवसर है मुलाकात करने का, मिलने का, वहाँ पर आप लोग मिल सकते हैं। बाकी मुंबई वाले अभी थोड़ा सा होल्ड करें, मुंबई की डेट अभी फिक्स नहीं हो पाई है, और दिल्ली NCR में आप लोग बाकी के दिन मुलाकात कर सकते हैं या फ़ोन पे कंसल्ट भी कर सकते हैं, फ़ोन टेलीफोनिक कंसल्टेशन भी आप ले सकते हैं। जो हमारा स्क्रीन पर दिया गया नंबर है, एक ही हमारा ऑफिशियल नंबर है, 9667423193, उसी पर संपर्क करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। सर्वप्रथम बात करेंगे आज के पंचांग की। भाग्य दर्पण उम्मीद की एक किरण, दिनांक 24 अगस्त 2021, दिन मंगलवार, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, शाम 4:07 तक, तदोपरांत तृतीया तिथि रहेगी। चंद्रमा कुंभ राशि में संचार करेंगे, दोपहर 1:38 तक, तदोपरांत मीन राशि में रहेंगे। नक्षत्र पूर्व भाद्रपद, शाम 7:47 तक, तदोपरांत उत्तर भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। योग सुकर्मा, सुबह 6:58 तक, तदोपरांत शूल योग रहेगा। राहुकाल दोपहर 3:37 से दोपहर 5:14 तक, और गोलिक काल दोपहर 12:58 से दोपहर 2 बजे तक। राहु काल बेहद ही अशुभ समय होता है, इसलिए कोई शुभ कार्य इस समय पर न करें। गोलिक काल बेहद शुभ समय होता है, कोई नया शुभ कार्य इस समय पर अवश्य कर सकते हैं। ये थी बात आज के पंचांग की। अब बात करेंगे आज के राशिफल की। कैसा बीतेगा आपका दिन मेष राशि से लेकर मीन राशि तक। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। मेष राशि, नए कामों में लग जाएं और खाली बैठने से बचें। नई शुरुआत के लिए आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन आने वाले समय आर्थिक लाभ के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर प्रेम संबंधों की बात हो तो परिजनों की सलाह लेने में कोताही न बरतें। पारिवारिक जीवन संतोषप्रद रहेगा, प्रेम विषयों की स्थिति थोड़ी गंभीर रह सकती है। प्रेम विषयों में भावुक होकर निर्णय लेना उचित नहीं होगा, दिमाग से सोचकर ही निर्णय लें बेहतर रहेगा। नए रिश्ते बनाने से भी इस समय आपको बचना होगा। मेष राशि वालों को आज की सलाह, जीवन साथी के साथ कुछ बातों को लेकर मतभेद या परेशानी हो सकती है, भविष्य को लेकर प्लानिंग करें ताकि दोनों का रिश्ता अच्छा चलता रहे। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और शुभ अंक होगा 2। वृषभ राशि, आज नौकरी पेशा लोगों को काम में सफलता हासिल होगी, व्यापारियों को आय के नए स्रोत मिलेंगे, आज ऑफिस में आपको सबका सहयोग मिलेगा, कोई काम मन मुताबिक पूरे होने से जीवन साथी आपसे खुश होंगे, आज आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे, आप अपना ध्यान किसी सोशल वर्क में लगा सकते हैं, आपको किसी नए कॉन्टैक्ट से फायदा हो सकता है, आपकी उदारता लोगों को पसंद आएगी, और इस राशि के जो स्टूडेंट्स हैं टीचिंग के एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हैं स्पेशली, तो उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। गाय को रोटी खिलाएं, आय में वृद्धि होगी। वृषभ राशि वालों को आज की सलाह, अपनी जॉब में नए विकल्प की तलाश में रहें और वो नया विकल्प आप देखना शुरू कर दें, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय ना लें। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और शुभ अंक होगा 6। मिथुन राशि, बिजनेस और नौकरी में परिवार से सहयोग मिलेगा, कार्यस्थल पर सोच समझकर बोलें, वाणी को विराम दें, उन्नति के रास्ते खुलेंगे, बिजनेस में फायदा होने के योग बन रहे हैं, घर में उपयोग होने वाली वस्तुएं खरीद सकते हैं, लेकिन सोच सकारात्मक पॉजिटिव रखें, विश्वसनीय व्यक्ति का सहयोग भी मिल सकता है, आपका पार्टनर संवेदनशील मूड में रहेंगे, आपकी भावनाओं का सम्मान होगा, आपको अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मिथुन राशि वालों को आज की सलाह, कहीं शारीरिक चोट ना लग जाए इसलिए बहुत संभल कर रहें, अपना ध्यान रखें, ड्राइविंग ना करें आज तो बेहतर होगा। शुभ रंग आपके लिए होगा स्लेटी और शुभ अंक होगा 9। कर्क राशि, आज लोगों के साथ मेलजोल बढ़ेगा पर घर में किसी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, आज आपको नौकरी में परेशानी आ सकती है, आप नौकरी में काम से प्रभावित होंगे, आपके जीवन में बदलाव होगा, आपकी कोई झूठी तारीफ भी हो सकती है, संतान के प्रति विश्वास बढ़ेगा, गाय को गुड़ खिलाएं, कोई बड़ा काम अकेले करने की कोशिश न करें, आज आप परेशान भी रह सकते हैं, थोड़ा उलझे हुए मामलों को सुलझाना आपके लिए आसान होगा। कर्क राशि वालों को आज की सलाह, अपनी पुरानी गलतियों से सीखेंगे और उनसे शिक्षा लें, भविष्य के लिए लाभदायक होगा और तरक्की भी मिलेगी। शुभ रंग होगा केसरी,
और शुभ अंक होगा 7। सिंह राशि, वित्तीय रूप से अच्छा दिन नहीं है, बेवजह की निवेश समस्याएं पैदा कर सकता है, किसी जानकार से सलाह लेना बेहतर होगा, काम का दबाव बना रहेगा। आज आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे, कुल मिलाकर आज आपको कुछ कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन बढ़िया रहेगा, आपको परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग और स्नेह मिलेगा, प्रेम संबंध यथावत रहेंगे, आप कुछ जीवन शैली में बदलाव लाएंगे और जिससे आप और अधिक सकारात्मक महसूस करेंगे। सिंह राशि वालों को आज की सलाह, अप्रत्याशित रूप से लाभ मिल सकता है, करियर को लेकर सतर्क रहें, अच्छे अवसर मिलते ही लाभ उठाना आपके ऊपर है। शुभ रंग आपके लिए होगा नीला और शुभ अंक होगा 5। कन्या राशि, आज आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपको सरकारी कामों में किसी बड़े व्यक्ति की मदद मिल सकती है, आप परिवार वालों के साथ शॉपिंग पर जा सकते हैं, किसी सामान की खरीदारी पर छूट भी मिल सकती है, दोस्त आपसे किसी मामले में सलाह ले सकते हैं, आपको कुछ नए बिजनेस प्रपोजल भी मिल सकते हैं। लवमेट के लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा, आपकी आय और खर्चों में तालमेल बना रहेगा, आज बच्चों के प्रति आपका स्वभाव नरम रहेगा, माता पिता का आशीर्वाद लें, पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। कन्या राशि वालों को आज की सलाह, नई संभावनाओं को तलाशने का काम करेंगे और इसमें आपको सही दिशा भी मिलेगी, थोड़ी घबराहट होगी लेकिन किसी उचित मार्गदर्शन अगर किसी का मिल जाएगा तो बेहतर रहेगा। शुभ रंग आपके लिए होगा पीला और शुभ अंक होगा 6। तुला राशि, कर्ज से छुटकारा मिल सकता है, अपने काम पर पूरी नजर रखें, अधिकारियों से सहयोग मिलेगा, आज आपके लिए योजना बनाना मेहनत करने से भी ज्यादा कारगर साबित होगा, इसलिए अपनी योजनाओं को तैयार कर लें, बना लें, बेहतर रहेगा। पारिवारिक जमीन जायदाद के मामले, दोस्त और रिश्तेदार, इन सब का विशेष ध्यान रखें। आज आपका व्यवहार आपके पार्टनर को खुश रखेगा, कुछ नया और सकारात्मक कार्य करें तो जीवन में अच्छा खासा सुधार आप कर सकते हैं, इसलिए पॉजिटिव रहें और जीवन में सकारात्मक करने की कोशिश करें। तुला राशि वालों को आज की सलाह, आज शेयर बाजार में पैसा ना लगाएं वरना भारी नुकसान हो सकता है। शुभ रंग आपके लिए होगा गुलाबी और शुभ अंक होगा 3। वृश्चिक राशि, आज आपकी बातचीत और व्यवहार से किसी को कोई भ्रम ना हो, इसका विशेष ध्यान रखना होगा, कोई उल्लेखनीय सफलता प्राप्त होगी, अगर आप विशेषज्ञ की सलाह के बिना निवेश करेंगे तो नुकसान मुमकिन है। आप में से कुछ गहने या घरेलू सामान आप में से कोई कुछ लोग खरीद सकते हैं, उत्साहवर्धक सूचना प्राप्त होगी, प्रसन्नता रहेगी, लाभ के अवसर हाथ आएंगे, फालतू खर्च बहुत होगा, लेकिन स्टूडेंट्स को ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। हेल्थ और सेहत के मामले में आज का दिन सामान्य रहेगा। वृश्चिक राशि वालों को आज की सलाह, पैसा कहीं निवेश किया हुआ है तो आज के दिन सावधानी बरतें, क्योंकि कहीं से घाटा होने की प्रबल संभावना है, माता पिता के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें। शुभ रंग होगा भूरा और शुभ अंक होगा 1। धनुराशि, दिन मिला जुला परिणाम देने वाला रहेगा, आप दूसरों पर अपने शब्दों से प्रभाव डालेंगे लेकिन आपकी सेहत आपको सहयोग नहीं करेगी, मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं, अपना ध्यान रखें। जीवन साथी के साथ कुछ वाद विवाद हो सकता है किंतु अंत में सब ठीक हो जाएगा। व्यावसायिक संदर्भ में कहीं दूर की यात्रा संभव है, आवेश को प्रेम के बीच ना आने दें तो बेहतर होगा, अपने साथी के जज्बातों की कत्र करें। धनुराशि वालों को आज की सलाह, विवाह की आयु हो चुकी है तो आज आपको घर में विचार विमर्श होगा और आपकी शादी की बात चलेगी, आपको थोड़ी असहजता महसूस होगी लेकिन भविष्य की दृष्टि से अच्छा रहेगा, इसलिए ज्यादा विचार न करें, बड़ों की बात मान लें। शुभ रंग आपके लिए होगा ग्रे और शुभ अंक होगा 8। मकर राशि, आज आपको कुछ कामों में सफलता मिल सकती है लेकिन आपको अजनबी लोगों पर भरोसा करने से बचना चाहिए, आपको अपनी योजनाओं के प्रति गोपनीयता बनाए रखने की जरूरत है, किसी मित्र से मिलने आप उनके घर जा सकते हैं, आपकी दोस्ती और भी गहरी होगी, हालांकि जीवन साथी के साथ रिश्तों में थोड़ी उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। आज जीवन साथी को खुश करने के लिए आप कोई उपहार देंगे, आप किसी सामाजिक कार्य का हिस्सा भी बन सकते हैं, मंदिर में दूध का दान करें, आपकी सभी समस्याओं का निवारण होगा। मकर राशि वालों को आज की सलाह, अपने प्रेमी से किसी बात को लेकर निराशा होगी और उनकी कोई बात आपको बुरी लग सकती है, ऐसे में खुलकर बात करें और चीजों को सुलझाने का प्रयास करें। शुभ रंग होगा मैरून और शुभ अंक होगा 6। कुंभ राशि, बिजनेस में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, नए लोगों से कॉन्टैक्ट बनेंगे, कामकाज बढ़ेगा, साथ के लोगों से सहयोग मिल सकता है, नए लोगों से भी अच्छे संबंध बनेंगे, बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलने के प्रबल संभावनाएं आज बन रही हैं, आर्थिक स्थिति में जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसमें जल्दी ही सुधार होता हुआ दिख रहा है, सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे, पुरानी समस्याओं का भी समाधान काफी हद तक हो सकता है, नॉर्मल जो आजकल मौसमी बीमारियां हैं उनसे बचे रहें तो ध्यान रहे, अपना ख्याल रखें, सेहत का बेहतर रहेगा आपके लिए। कुंभ राशि वालों को आज की सलाह,
अपनी जीत के लिए मजबूती से काम करेंगे, पूरा दिन बोझ ज्यादा रहेगा, लेकिन मन लगाकर काम करें, सफलता आपके कदम चूमेगी। पूरी मेहनत करते रहें बस। शुभ रंग होगा आसमानी और शुभ अंक होगा 7। मीन राशि, सामान्य रूप से आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और बीमार व्यक्ति की तबीयत में सुधार होगा। अपना समय और ऊर्जा दूसरों की मदद करने में लगाएं ताकि ऐसे मामलों में पड़ने से बचें जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। एक खुशनुमा और बढ़िया शाम के लिए आपका घर मेहमानों से भर सकता है। व्यापार के नए अनुबंध हो सकते हैं। नए कार्य के प्रारंभ के लिए दिन अच्छा है। कला व संगीत के प्रति रुझान रहेगा। व्यवसाय में लाभ का अवसर मिलेगा। मीन राशि वालों को आज की सलाह, किसी क्षेत्र में नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त होगा, इसलिए उसे हाथ से ना जाने दें। अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित करने का प्रयास करें तो बेहतर रहेगा। यह था आज का राशिफल, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक। कैसा बीतेगा आपका दिन? अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप YouTube चैनल हमारा जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। Facebook पर देख रहे हैं अगर आप ये वीडियो, तो Facebook पेज जरूर लाइक और फॉलो कर लें। हर वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।